छोटी पत्नी से पहले रंग मैं ही लगाऊंगी पति बाबू को। अनिरुद्ध, नमस्ते। मैं बस आया। बाबा, काका, सुनिए सुनिए, आप भी सुनिए। आज मेरी पत्नी मनोरमा के साथ इस हवेली में पहला डोल उत्सव है। बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता वाला दिन है, और आज के दिन मैंने मनोरमा और उसके माँ बाबा के लिए कुछ नाच गाने का आयोजन किया है। मैं अभी आया, एक मिनट बोंदता। पति बाबू, पति बाबू ने मेरे लिए तो कभी नहीं किया ऐसा कुछ, और देखो तो अब मेरे टाइपराइटर वाले तोहफे के बारे में भी भूल गए हैं। मुझे बदलना पड़ रहा है तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए। कौन देता तुम जितना जलकर गुस्सा होगी उतना ही आसान होगा तुम्हारे गुस्से को डलहौजी हॉस्टल जाकर पढ़ने के लक्ष्य पर केंद्रित करना। जाने दीजिए ना बहू रानी जी। नहीं कोई ली दीदी, सबसे पहले मैं ही रंग लगाऊंगी अपने पति बाबू को, और उससे पहले मुझे छोटी पत्नी को अपने पति बाबू से दूर करना होगा। अरे भैया, केसर, बादाम, काजू और तरबूज के बीज से बने ठंडाई से सबके दिमाग ठंडे रहेंगे। आप भैया से मन लगा के जल्दी डालिए ना। आज एक ठंडाई में शिव जी का प्रसाद मतलब भांग मिलाई जाएगी, और फिर उसके दिल में छुपा हर राज अपने आप बाहर आ जाएगा। वैसे भी आजकल के लोग दिखते कुछ और हैं और अंदर से होते कुछ और हैं। आज भांग के नशे में मनोरमा की असलियत सबके सामने आ जाएगी। अब जल्दी से जाकर मैं पहले रंग लगा देती हूँ पति बाबू को।
मैं हार नहीं मानूंगी, फिर से रंग लगाने की कोशिश करूंगी। तुम्हें हमारी मुहिम के लिए बम बनाने की विधि देने को भेजा है।
अगर मैं हवा में ढेर सारा रंग बिखेर दूं, तो कुछ समय के लिए सब सिर्फ रंग को ही देख पाएंगे, मुझे नहीं। और उस समय आसानी से वो कागज ले लूंगी मैं अपने साथी से। छोटी पत्नी पक्का पति बाबू को मुझसे पहले रंग लगा देगी, क्या करूं? हाँ, करना बोलता, अपनी खुशी छिपाकर गुस्सा दिखाना होगा मुझे, ताकि तुम्हें पढ़ने के लिए डलहौजी वाले हॉस्टल भेज सकूं। बोलता, ये क्या है? ये क्या हुआ अचानक पति बाबू को? पति बाबू! सब बाहर रंगों से खेल रहे हैं, तो अपने क्रांतिकारी साथी को मैं हवेली के अंदर बुला लेती हूँ। हाँ, ताकि मेरी मुहिम के लिए लाए हुए कागज को लेते हुए मुझे कोई देख ना सके। मुझे दे दीजिए, मैं देती हूँ। नहीं, मैं दे दूंगी। दे देती हूँ मैं। मैं दे दूंगी। जाओ लीजिए ना, जाओ। इस गुलाब वाली ठंडाई में मैंने भांग मिलाया है नई बहू के लिए। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, ये संदेश भेजा है आपके लिए। घर पे मिलो, उस तरफ। नई बहू, ये लो ठंडाई, लो। दोल उत्सव तो ठंडाई के बिना बिल्कुल अधूरा है, लो ना। हाँ, रुको, मैं ही देती हूँ। मैं अभी अभी चलती हूँ, मैं बाद में पी लूंगी। अरे नहीं, रुको रुको, नहीं जल्दी क्या है? और शगुन ऐसे नहीं लौटाते, नाराज हो जाएंगे काका ससुर जी। जल्दी पी लो ना। अब जैसे घट घट ठंडाई पिएगी, वैसे इसमें डाले भांग के नशे में तेरे सारे झूठ बाहर निकलेंगे। इतने सारे रंग है यहाँ पर, इस होली में असली मजा तो तेरा असली रंग देख कर ही आएगा। छोटी बहू संपूर्णा, वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ। आई। आओ जल्दी पी लेना। हाँ, मैंने अपने पति बाबू को सबसे पहले रंग लगा दिया।
भोली है गौंतता। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता। प्रीति बाबू, आपको पता है ना प्रीति बाबू, रंगों से कितना डर लगता था मुझे, पर आपको देखकर सारा डर तुम दबाकर भाग जाता है। देखा ना आपने कैसे आज अपना डर भगाकर आपको सबसे पहले रंग लगाया मैंने। अब आप ही सबसे पहले रंग लगा दीजिए ना मुझे। औंधता के उज्जवल भविष्य के लिए जहर को जहर से काटना होगा। मुझे चाहे जितनी शक्ति से पेश आना पड़े आऊंगा। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है बौंदता, जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझे धोखे से रंग लगाया, पागल बनाकर लगाया, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी छोटी पत्नी को रंग लगाऊंगा, मनोरमा को रंग लगाऊंगा। बल्कि जानती हो, मैं यहाँ मनोरमा को ही ढूंढते ढूंढते आया था। कहाँ चली गई मनोरमा, कहाँ है मनोरमा? तुमने देखा बौंदता मनोरमा को? मुझे नहीं पता। अरे बेटा मनोरमा, कहाँ जा रही हो बेटा? यहाँ ढोल उत्सव चालू है, सब लोग ढोल खेल रहे, तुम कहाँ जा रही हो? बाबा मैं ना वो जरा घर जा रही थी, कुछ काम है मुझे। आप लोग सबसे मिलिए ना, मैं आती हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है हाँ, चल। कहाँ जा रही हो नई बहू? वो मेरा जरा जी घबरा रहा था इसलिए मैं घर जा रही थी। ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, तुम घर जा रही हो ना, जाओ आराम कर लेना। हाँ पर मैं तुम्हारे ससुर जी से क्या कहूंगी, मतलब नई बहू को डोल उत्सव में रहना जरूरी है ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। वापस आ जाना। हाँ जरूर। अगर छोटी पत्नी डोल उत्सव में आ ही ना, फिर तो पति बाबू की नजर मुझ पे ही होगी पूरे डोल उत्सव में, और वो छोटी पत्नी को रंग लगा ही नहीं पाएंगे, और शायद पति बाबू को याद भी आ जाएगा कि इस डोल उत्सव पर टाइपराइटर देने का वादा किया था मुझे। कुछ कर बौंदता कि छोटी पत्नी यहाँ वापस ना पाए। से पहले कि कोई घर में आए मुझे उस ढोल वाले को मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे उससे जो मुहिम के लिए बम बनाने की जानकारी भिजवाई गई है वो लेनी होगी। पर वो ढोल वाला गया कहाँ? अभी तो यहाँ था, अभी आते हुए दिखा ना। अब मैं तुम्हें वापस पति बाबू के पास नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें कमरे में बंद करने वाली हूँ। कहाँ गया वो ढोल वाला?
ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? बोंदिता, दरवाजा खोलो। मुझे पता है ये शरारत तुम्हारी है। देखो बोंदिता, दरवाजा खोल दो। अब देखते हो कैसे लगाते हैं रंग पति बाबू छोटी पन्नी को। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.